Morning, welcome to my YouTube channel. Now the today I will discuss the last 6 month preparation study, है ना? अभी से आपका जो है लगभग 6 महीने बचे हुए हैं और इस 6 महीने को मुझे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा मुझे बेनिफिशियल आउटपुट निकालना है ना. तो इसके लिए क्या करना है मुझे दोस्त, सबसे पहले तो आपको जो है अभी तो फॉर्म निकला हुआ है और अभी थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, मतलब जो है फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, वो भी भर सकते हैं फॉर्म को और उसको भी अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो गेट का एग्जाम लिख सकते हैं, है ना. गेट बड़ा अच्छा एग्जाम है. अच्छा, बहुत लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि सर IIT बॉम्बे जो है ले रही है तो क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसा पेपर रहेगा. सर मैं आप लोग से नम्र निवेदन करता हूं कि सर कोई टॉपिक को ना छोड़ें, ना कोई टॉपिक को जो है इजी वे में लें. ये आप कोई ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर नहीं है कि भैया वो बोला कि इस टॉपिक को छोड़ दो तो भैया वो टॉपिक नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप ज्यादा ज्यादा पढ़ें, ज्यादा ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है. यहाँ पे लोग जो बोलते हैं वैसा होता नहीं है. अंदर रूम में जब जाओगे आप, वहां भक से क्वेश्चन आएगा आपको, वहां समझ में आएगा कि नहीं इस टॉपिक को अगर पढ़ लिया रहते तो हो गया रहता. इसलिए कोई टॉपिक को कमजोर ना समझें, कोई टॉपिक को इजी ना समझें और अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से कोशिश करें, कभी भी इजी ना समझे दोस्त, है ना. और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखना चाह रहे हैं उसके लिए तो भैया अभी आपको GS पोर्शंस पे भी ध्यान देना है और टेक्निकल पोर्शंस पे भी ध्यान देना है. अच्छा, GS पोर्शंस के लिए आपको एक बार बता चुका था मैं कि GS पोर्शन कैसे करना है. GS पोर्शंस के लिए जो भी मटेरियल आपके पास है उसको बार बार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाएं और कॉन्सेप्ट को लर्न करें क्वेश्चन से, ठीक है. मेरी बातों को पे ध्यान दें कि कॉन्सेप्ट को लर्न करें फ्रॉम द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पे ना जाएं. जीएस में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा. इसलिए सबसे पहले एक बार पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, फिर क्वेश्चन से क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को, तो उसके बाद आपको ज्यादातर लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा आपको, है ना. अच्छा, गेट में भी वही काम करेंगे आप दोस्त, है ना. कभी कभी क्या होता है कि आप जो है पूरे सब्जेक्ट को थ्रू आउट बहुत अच्छे से पढ़ लिए, थ्रू आउट बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद जो है फिर आप देखते हैं कि क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा है. आप क्या करो, थ्रू आउट पढ़ने के बाद सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो. अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, उससे रिलेटेड टॉपिक जाकर के देखिए पहले नोट्स में क्या सर ने आपको पढ़ाया है. अगर पढ़ाया देन ओके, क्यों क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर रियलाइज कीजिए. अगर नहीं पढ़ाया है तो आप जाइए स्टैंडर्ड बुक में, जाइए स्टैंडर्ड बुक में ढूंढिए, फिर उसको पढ़िए. इस तरह से जैसे पढ़ेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें सेड्रा स्मिथ की इतनी मोटी बुक आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, जब आप उस उतनी मोटी बुक पढ़ने स्टार्ट करेंगे ना तो आपको नींद आ जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़े हुए एनालॉग उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइए, कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, देन आप जाइए बुक पे, फिर वो आपको देखिएगा लास्ट स्टेज में कि इतनी मोटी बुक आपकी कवर हो चुकी है और सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको आ रहे हैं. तो सर इस तरह से पढ़ाई शुरू कीजिए. ऐसा नहीं कि एक दिन हम बैठे हैं अरे आज तो हम पूरा कंट्रोल सिस्टम खत्म कर डालेंगे और समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा. आप जितना पढ़े हैं उससे रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन बनाइए. इसलिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाइए. जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे सर उतना ही अच्छी आपकी रैंक आएगी, लिख लो आप, समझ में आ रहा है. और अभी से ये ध्यान में रखो कि गेट के एग्जाम तक मुझे प्रीवियस के ऑल जितने भी क्वेश्चंस हैं सो प्लस जो भी स्टैंडर्ड बुक के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं सो मैक्स योर, ध्यान में एक चीज रखें हमेशा कि एक चीज को बार बार पढ़ें, 50 चीज को एक बार ना पढ़ें. पहली बात तो ये गलती नहीं करेंगे आप. दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चंस आप बनाए तो उसमें दिमाग में एक चीज रखें कि क्या गेट के एग्जाम तक इसको हम एटलीस्ट 10-12 टाइम्स बना पाऊंगा. अगर आप एटलीस्ट 10-12 टाइम्स बना रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ तभी उस चैप्टर को उठाइए, तभी उस क्वेश्चंस को उठाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए. क्यों? चूंकि आपको वहां पे 100 में 100 नहीं लाना है दोस्त. आपको जो है सिलेक्शंस के लिए आपको जितना मार्क्स चाहिए उतना ही लाना है और सही सही बनाना मैटर करता है कॉम्पिटिशन में. ये नहीं कि बना लिया पूरा 100 out of 100 और लाए 0 नंबर, वो मैटर नहीं करता. इसलिए सबसे अच्छा आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट पे जाइए, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस पे जाइए और क्वेश्चन सही खेलते रहिए. आप कहोगे सर रिवीजन कैसे करें, फास्ट रिवीजन का तरीका क्या है? जो भी पढ़े आप उसको 8 दिन के बाद फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए. इट मींस विद इन 8 डेज उस टॉपिक को फिर से उठाइए. अच्छा, क्या करोगे, फिर से पूरा टॉपिक उठाओगे? नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए, बनाए. अगर तुमसे बन गया मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं बना इसका मतलब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ढीला है. फिर उसको आप टाइट कीजिए, जाइए अच्छे से कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए. इस तरह से रिवीजन होता चला जाएगा. ध्यान रखिए कि जितना आप आगे जा रहे हैं, ध्यान रखिए कॉम्पिटिशंस के लिए, ये नहीं कि जा रहे हैं जाके गिर गए, ऐसा नहीं होता है. कभी भी कॉम्पिटिशंस के लिए क्या होता है कि जितना हम आगे गए बैक उतना ही आएंगे, फिर आगे जाएंगे दो कदम आगे फिर बैक. अब देखिए अगर जो चीज पढ़े आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपके रिवीजन हो रहे हैं.
सो रिविजन पे ज्यादा जोर दीजिए, यही नहीं कि पूरा पढ़ लिया सर ये भी छूट गया, सर ये भी छूट गया, हाय हाय मत कीजिए वरना कभी भी आपका रैंक नहीं आ सकता दोस्त। इसलिए ध्यान रखती है आप कि जितना पढ़े सॉलिड पढ़े, आप अगर 85 मार्क्स का पढ़े तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए कि 85 में से 60 मार्क्स लेकर के आएंगे हम, लेके मतलब सही सही बना के कटकुट के मार्क्स मेरा 60 आएगा, इस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा आपका दोस्त, है ना। चलिए फिर से हम आप लोगों के साथ रहेंगे हमेशा, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और मेरे साथ बने रहें एकदम हैप्पी के मूड में। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।